लाया बारात लाया घुंघटा उठाने आया अपना बनाने आया वो। नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और साथियों आज हम सीखेंगे मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। तो आज साथियों हम इसी गाने का ट्यूटोरियल सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए साथियों आज हम इस गाने को सीखेंगे बजाना, और ये भी बताएंगे कि गाना कौन से स्केल से शुरू होता है। इस गाने में थोड़ा सा उतार और चढ़ाव ज़्यादा है, इसलिए हम इसको ट्यूटोरियल को मैं बना रहा हूँ। तो मध्य सप्तक की पहली काली से हम इसको बजाना सीखेंगे साथियों। अगर शुरू की हम बात करें तो सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। और मंद्र सप्तक में भी कोमल नी लगेगी, यहाँ भी नहीं लगेगी और इधर भी नहीं लगेगी। तो कहने का मतलब है थाट खमाज पे ये गाना आधारित है। अब साथियों जो हमारे साथी कंफ्यूजन होते हैं, जिन साथियों को हमारे कि गाना कौन से बटन से निकलता है, इससे निकलता है या इससे निकलता है, तो साथियों इस गाने को आप जरा ध्यान से देखिए कि ये गाना हमारे तार सप्तक के साथ से शुरू होता है यहाँ से, ठीक है। तो इसकी पहली लाइन चलिए सीखते हैं क्या है। तो ये सा से होता है, लाया बारात लाया। तो लाया बारात लाया, अब इस पर क्या करेंगे, देखिए दो बार सा लेंगे, दो बार आप कोमल नी लेंगे, एक बार आप धा लेंगे और पा पे रुक जाएंगे। लाया बारात लाया, उसके बाद है घूंघटा उठाने आया, घूंघटा उठाने आया। तो जैसे हमने यहां दो बार ये था, दो बार ये था, एक बार ये था, एक बार ये था, अब इसमें क्या है, दो बार फिर से नी है, दो बार धा है और एक बार पा है, और अब आपकी बार हम माँ पर रुक जाएंगे, ठीक है। घुमटा उठाने आया, उसके बाद है अपना बनाने आया को, ठीक है, अपना बनाने आया को। यानी दो बार फिर धा लेंगे और फिर उसके बाद दो बार पा लेंगे, फिर मा लेंगे और गा लेके और फिर पा पे चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी जो अगली लाइन आएगी वो बिल्कुल सेम बजेगी, चंदा भी साथ लाया, चंदा भी साथ लाया, दो बार सा, दो बार नी और एक बार धा और पा पे रुक जाएंगे। उसके बाद तारे भी साथ लाया, तो तारे भी साथ लाया, दो बार नी, दो बार धा, फिर पा और मा पे रुक जाएंगे। उसके बाद है पागल बनाने आया, पागल बनाने आया वो, पागल बनाने आया वो, यानी गा पा, ठीक है। अब साथियों ये तो देखो, ये तो बज गया इधर, अब इसके बाद जो आएगा, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। तो देखिए अभी जो हमने पार्ट सीखा है वो ऊपर बजा है, ये अब जो बजेगा वो नीचे बजेगा, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। तो पहली बार में आपने देखा होगा हमने रे पे रुके हैं और दोबारा में सा पे रुके हैं, तो आप इसको सीखते हैं, मेरा पिया घर आया। तो पहले सीखेंगे मेरा पिया घर आया, तो कहीं कोई डबल मात्रा नहीं है, सारे गा सारे गा मा गा रे सा, सारे गा, थोड़ा सा गा पे ठहराव लेंगे, सारे गा मा गा रे सा नी। अब ओ राम जी, ओ राम जी, यानी नी सा रे रे रे, नी एक बार लेंगे, सा एक बार लेंगे और तीन बार रे रे लेंगे, ओ राम जी, ओ राम जी, नी सा रे रे रे, और दोबारा में तो दोबारा में हमने क्या करा है, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, सा रे गा और फिर पा मा गा रे सा नी कर देते हैं, मेरा पिया
तो पहली बार में हमने तीन बार रे रे करा था, दूसरी लाइन में ठीक है नी सा रे सा सा। तो चलिए साथियों इस तरीके से आप इसको बजाना सीखिए, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।